दिव्यांगों के पुनर्वास हेतु सीआरसी द्वारा संचालित नियमित जागरूकता कार्यक्रम के तहत सीआरसी और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में समावेशन के प्रसार हेतु सर्किट हाउस कैंपस स्थित एनेक्सी हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखपुर जिले के 250 से ज्यादा सीबीएसई, आईसीएसई तथा राज्य शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के प्राचार्य और प्रबंधकों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मंडलायुक्त जयंत नारिकल, जिलाधिकारी गोरखपुर विजेंद्र पांडेयन, पूर्व चेयरपर्सन नेशनल ट्रस्ट भारत सरकार डॉक्टर आलोक गुहा, उप निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग राजकुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में डॉक्टर आलोक गुहा, पूर्व चेयरमैन नेशनल ट्रस्ट भारत सरकार, ने रिसोर्स पर्सन के रूप में समावेशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। कार्यशाला के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया। एजुकेशन क्या है? डिसेबल एजुकेशन रिमेंबर ओल्ड एज प्रोजेक्ट का पीआईईडी या आईईडी इंटीग्रेशन ऑफ आईईडी एंड देन ऑफ कोर्स नाउ लीगल फ्रेमवर्क है वो एजुकेशन रिलेटेड लॉस करता एक नंबर मिलता था तब जाके वो प्रैक्टिस कर सके। तो हमारा भी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहाँ अप्लाई करते हैं, हमें एक नंबर मिलता है और हर पाँच साल। तो यहाँ जितने सीआरसी के लोग हैं वो सब प्रोफेशनल्स, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा, जो सिर्फ ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी चार डिसेबिलिटी के लिए है। अल्लाह वाला देखे, जब से एजुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट 2002 में 86 अमेंडमेंट के बाद, उसके आधार से आपकी बना 2009 और 2012 में अमेंडमेंट्स आई। आप में से कितने लोग आपकी अमेंडमेंट्स के बारे में जानते हैं? हाँ तो है, आरटीई का अमेंडमेंट्स हुआ 2012 में। मैं बताती हूँ, ये हमारा न्यू लॉ है। यह हमने 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को देखा है, 21 टाइप्स। एक तो है फिजिकल, उसमें से 10 अलग अलग टाइप्स हैं, लोको मोटर, विजुअल, हियरिंग, स्पीच। फिर इंटेलेक्चुअल है, जिसमें से हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। थर्ड में है मेंटल बिहेवियर और फोर्थ में है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, रो टाइप और ब्लड डिसऑर्डर जैसे हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज। और फिफ्थ कैटेगरी है मल्टीपल एंड सिक्स, अभी नया कुछ आएगा। तो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। अब हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में मैंडेट किया। तो कपिल सिब्बल सर एजुकेशन मिनिस्टर थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, तो अमेंडमेंट्स ऑफ द आरटीई एक्ट 2012। दिव्यांगजन देखिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है और आज सुबह इस पर हम लोग की सीआरसी से कार्यशाला हुई, उसमें जिलाधिकारी गोरखपुर भी थे और बाहर से भी बहुत नेशनल लेवल के हमारे ट्रेनर भी आए थे। इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि एक जो हमारे प्रधानाचार्य हैं माध्यमिक और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के, इनमें एक संवेदना है, एक सेंसिटाइजेशन हो कि दिव्यांगजनों के प्रति हमें कैसे सचेत रहना है और कैसे उनकी मदद करना है। और समावेशन इंक्लूजन पर बहुत जोर है कि जोर इस बात पर है कि हम प्रारंभिक जो हमारे प्राथमिक प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ से लेके सेकेंडरी स्कूल तक और उनकी स्किल इन्हेंसमेंट तक, उनकी नौकरी मिलने तक हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो इस पूरे पर आज एक वन डे का ट्रेनिंग हुआ है। इसमें आज की जो कार्यशाला जिला स्तर गोरखपुर जिला स्तर पर हुई है, इस पर हमारा जोर ये है कि जो प्रधानाचार्य हैं वो सेंसिटाइज हो जाएं। फिर हम डिफरेंट सेक्टर्स को लेंगे, डॉक्टर्स को लेंगे और भी यूनिवर्सिटी के लोगों को लेंगे, विभिन्न विभागों को लेंगे और फिर कई जो हमारे 3 जिले और रह गए हैं उन पर भी हम ये कार्यशाला करेंगे। तो आइडिया ये है कि सीआरसी गोरखपुर हमें एक मिला है, एक ये हमारा एसेट है, इसके थ्रू हम चारों जिलों में दिव्यांगजनों के प्रति सचेतना करें और उनका समावेशन कैसे, एक विकास के पथ पर जो सारी चीज़ें हो रही हैं उनमें उनका समावेशन कैसे हो, इस पर ध्यान देना चाहिए।